आप सभी का बहुत स्वागत है दोस्तों। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल का आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। और आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद सवरिया कंज्यूमर पर बात करने जा रहे हैं और कुछ अच्छी न्यूज़ है सवरिया कंज्यूमर के साथ जिसकी हमने बातचीत की है। जो लोग भी निवेशक हैं उनके लिए बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ हो सकती है ये, और इसके बारे में हम लोग जल्दी चर्चा करेंगे। द बिग न्यूज़ फॉर द सवरिया कंज्यूमर। एंड जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे, ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम चैनल 7217718769 इज द टेलीग्राम चैनल नंबर। एंड द फी इज द 600 rupees मंथली, 1250 rupees फॉर द क्वार्टरली एंड सो ऑन। जो भी है वो आप टेलीग्राम पे आकर हमसे बात कर सकते हैं। और अगर जिसके फ़ोन पर टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल नहीं है तो उसके लिए मैं टेलीग्राम ऐप को इंस्टॉल करने के लिए जो लिंक होगा, इंस्टॉलेशन लिंक, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप कॉपी पेस्ट करके URL में आप टेलीग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं अपने फ़ोन पे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आखिर क्या ऐसी बड़ी न्यूज़ है उसके बारे में हम लोग चर्चा जरूर करने जा रहे हैं। तो न्यूज़ ये है कि US जो फूड कॉरपोरेशन है, USFDA से अप्रूवल मिल चुका है सवरिया कंज्यूमर को। और इसके बारे में मैं आपको जल्दी दिखा देता हूँ वेबसाइट पे, तो हम आपको लेके चलते हैं कि क्या न्यूज़ है सवरिया के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। या सो दिस इज द सर्टिफिकेट दैट सवरिया रिसीव फ्रॉम द USFDA। सर्टिफिकेट ऑफ द रजिस्ट्रेशन 2019। This is to certify that Savarya Consumer Limited, plot number 55, industrial area, sector A, Mandideep, Madhya Pradesh, 462046, is registered with US Food and Drug Administration as required by the 21 CFR Part 1, Subpart H and the Public Health Security, Bioterrorism, Preparedness and the Response Act of 2002, USFDA registration number, date of registration 20th September 2018, US agent Liberty Management Group Limited, certificate number this, certificate expiry date 20th September 2019, मतलब 2001 साल के लिए इनको सर्टिफिकेट मिला है। एंड द फूड प्रोडक्ट लिस्टेड होल ग्रेन, मिलर ग्रेन प्रोडक्ट्स, फ्लोर्स और द स्टार्च। तो ये प्रोडक्ट्स जो है, फिर से बता देता हूँ, होल ग्रेन, मिलर ग्रेन प्रोडक्ट्स एंड द जिसको फ्लोर्स वगैरह है और स्टार्च, इन प्रोडक्ट्स के लिए सवरिया कंज्यूमर को USFDA का अप्रूवल मिल चुका है। और अब सवरिया कंज्यूमर US में भी एक्सपोर्ट कर सकता है इन प्रोडक्ट्स को। तो ये बहुत ही अच्छी और शानदार खबर है सवरिया कंज्यूमर के लिए। और दोस्तों यहाँ से देखिए, जल्दीबाजी मत कीजिएगा, आपके पास पूरे भरपूर मौके हैं। जिन लोगों के पास पोजीशंस ऑलरेडी हैं उन लोगों को मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है 11 rupees एक बहुत ही मजबूत सपोर्ट लेवल है। अगर 11 rupees टूट जाता है तो उसके हम टेक्निकल चार्ट बताएंगे कि नेक्स्ट लेवल वो कहां तक गिरने वाला है। पर उससे पहले मैं आपको सवरिया कंज्यूमर की वेबसाइट पर लेके जाऊंगा। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये देखते हुए कि सवरिया कंज्यूमर ने अपनी वेबसाइट का लुक एंड फील कम्प्लीटली चेंज कर दिया है। और ये बताता है कि कितने डेडिकेशन के साथ कंपनी अपनी ग्रोथ के लिए काम कर रही है, मेहनत कर रही है, प्रयास कर रही है। आप देख सकते हैं इनकी जो वेबसाइट थी पहले काफ़ी ओके ठीक ठाक सी वेबसाइट थी, बट अब इन्होंने एज ए शॉपिंग कार्ट इसको कन्वर्ट कर दिया है। आप इनकी वेबसाइट पे जाके कोई भी प्रोडक्ट्स ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और बाय कर सकते हैं। इससे उनके ऑनलाइन सेलिंग बढ़ेगी, ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ेगी, साथ ही साथ कंपनी का प्रमोशन हो रहा है। अब चूंकि USFDA का अप्रूवल मिल चुका है तो ये लोग बाहर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सो गाइज, ये देखिए वेबसाइट का आप लुक एंड फील देखिए कितना शानदार है। और राइस, दाल, ऑयल, शुगर, दलिया, मैदा, सूजी, बेसन, पोहा और एवरीथिंग, ऑल प्रोडक्ट्स। अब जो भी कंज्यूमर प्रोडक्ट्स यानी कंज्यूमर फूड कंज्यूमर की जो भी कंपनीज होती हैं वो जो भी प्रोडक्ट्स लेके आती हैं ऑलमोस्ट धीरे धीरे सभी प्रोडक्ट्स के अंदर कंपनी उतर रही है। स्पेशली राइस सेगमेंट पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है कंपनी। अर्लियर ये लोग एडिबल ऑयल में थे जो कि अभी भी हैं, बट फिलहाल ये लोग राइस सेगमेंट पर और सोयाबीन सेगमेंट पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं राइस में, आप जब राइस पे क्लिक करेंगे तो राइस के कौन कौन से ब्रांड है वो आप यहाँ पर देख पाएंगे, ठीक है। ये देखिए राइस के ब्रांड्स हैं जो कि ऑलरेडी लिस्टेड हैं। आप यहाँ से कुछ एक दो प्रोडक्ट परचेस करके उसकी क्वालिटी को टेस्ट कर सकते हैं कि किस तरह की क्वालिटी ये लोग प्रोवाइड करा रहे हैं। सो ओवरऑल मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है अब इसकी वेबसाइट को देखते हुए। और यहाँ से हमें पता चलता है एक पॉजिटिव
अप्रोच का पता चलता है कि ये लोग आगे अपने लुक एंड फील पे तो काम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ जिस तरह से जो यूएस एफडीए का जो अप्रूवल मिला है उससे पता चलता है कि ये लोग ग्लोबल फुटप्रिंट में भी काम कर रहे हैं, ताकि इनका जो जो प्रेजेंस है वो ग्लोबली बन सके। सो गाइस ये अच्छी बात है। और अभी हम टेक्निकल चार्ट्स को आपको दिखाते थे समरी कंज्यूमर के। सो दिस इज द समरी कंज्यूमर चार्ट, और जिस तरह से आप सभी को अच्छी तरह से पता है जो लोग हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं, हम लोगों ने 7.05 पे इस स्टॉक को आपको सजेस्ट किया था, एंड उसके बाद नॉन स्टॉप 34 तक ये स्टॉक ने मूवमेंट दिखाया था, एंड वहाँ से एक डिप आनी शुरू हुई। जिस तरह से सभी को पता है कि QIP पे ये लोग काफ़ी इन्वेस्टर्स मीटिंग चल रही है, QIP के लिए 400 करोड़ का QIP है, जिसको ये फर्दर अपनी कंपनी की ग्रोथ के लिए और आगे फ्यूचर जो भी एक्सपेंशन करना है उसके लिए उस 400 करोड़ को यूज़ करेंगे, तो उसके लिए ये लोग काफ़ी मीटिंग्स वगैरह कर रहे हैं, अभी कंटिन्यू चल रही हैं। सो लेट्स सी कि Q2 के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं 2018 में वो कैसे आते हैं, और उम्मीद करते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स कंपनी पोस्ट करेगी और यहाँ से एक अच्छे अपमूव्स भी हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने चार्ट खोला हुआ है, वीकली चार्ट है, वीकली चार्ट पे बात करूँगा, डेली चार्ट पे बात नहीं करूँगा मैं। दोस्तों यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि स्टॉक ने राइज करना शुरू किया और स्टॉक ने अपना पीक बनाया हुआ 34.36 का पीक बनाया, एंड उसके बाद कंटिन्यूसली फॉल आया। कुछ दिनों तक जो स्टॉक था वो 16 से लेकर 24 के बीच में रेंज बाउंड ट्रेड किया, एंड जैसे ही हमने पहले भी बताया था 16.32 जैसे ही ब्रेक होगा स्टॉक और लोअर लेवल्स पे आएगा, और स्टॉक ने वहाँ से टूटना शुरू किया और लगभग 11 रुपये के सपोर्ट को मेंटेन करने की कोशिश की। 10.88 आप देखेंगे ये दो कैंडल्स लगातार दो दिन दो हफ्ते 29 जून का और 6 जुलाई के दो लगातार 2 वीक्स तक इसने 10.88 का फ्लोर प्राइस यानी कि जो सपोर्ट लेवल था उसको होल्ड करने की कोशिश की और होल्ड भी किया, और उसके बाद वापस इसने अपना जो सीलिंग था, चूँकि जो 16.30 जब सपोर्ट ब्रेक हुआ था तो वो अब रेजिस्टेंस बन चुका था, वो भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। और उसके बाद देखेंगे आप कि 10.88 से 16.32 के बीच में ही ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है पिछले कई हफ्तों से, यानी कि 18 मई से, और अब आप देख सकते हैं 26 सितंबर आ चुकी है, लगातार ये 10.88 से 16.32 के बीच में ट्रेड कर रहा है, तो ये इसकी रेंज बाउंड है, यानी जो बॉटम टारगेट है आप देखेंगे यहाँ पर भी पिछले दो हफ्तों में भी 21 सितंबर का जो वीक था उसमें भी इसने जो लोएस्ट टच किया था वो 10.90 का टच किया था, और इस हफ्ते में भी जो ऑलरेडी 26 सितंबर का वीक चल रहा है अभी इसमें भी इतना अपना लोअर अभी 11.30 टच किया है, बट अभी तक 10.88 ब्रेक नहीं किया है, ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर आप देखेंगे जो 6 अक्टूबर और 13 अक्टूबर के दो हफ्तों के बीच की जो कैंडल है इसमें एक छोटा सा गैप पैटर्न मुझे नज़र आता है, जो कि तकरीबन 1 रुपये के आसपास का गैप है, बट एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि जो गैप बना है वो हाई वॉल्यूम के साथ बना। आप देखेंगे जहाँ पर कि 6 अक्टूबर के वीक में जो वॉल्यूम था बहुत कम था, केवल 6,68,34,000 का ही वॉल्यूम था, वहीं जो नेक्स्ट वीक जिसने गैप अप कैंडल क्रिएट की उसमें लगभग 6.04 करोड़ मतलब 63 लाख से एकदम नेक्स्ट वीक में 6 करोड़ का वॉल्यूम आया, यानी कि बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ ये गैप पैटर्न क्रिएट हुआ था। यहाँ पर मुझे लगता है कि इतना ईजिली इस गैप के पास नहीं आएगा 8.78 के पास, इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्स्ट सिनेरियो इन द मार्केट प्रोबली ये हो सकता है कि फ्लक्चुएटेड वे में ये कहीं ना कहीं लोअर जाए बट क्लोजिंग अबव दे, जस्ट लाइक 21 सितंबर की जो कैंडल थी जिसने जो लोअर टच किया 10.9 का टच किया बट जो क्लोजिंग दी थी वो 12.75 पे थी, तो कुछ इसी तरह का फ्लक्चुएशन हम देख सकते हैं ताकि ये गैप फिल हो पाए। बट ओवरऑल स्टॉक इज लुकिंग वेरी गुड, कंपनी इज डूइंग वेरी गुड थिंग, QIP की मीटिंग्स चल रही हैं, ये एक बहुत ही पॉजिटिव अप्रोच है, और जैसे ही इनको ये आउटकम आता है कि कौन नया निवेशक इसमें निवेश कर रहा है कंपनी के अंदर, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो QIP की मीट है उसमें जो उससे पहले ही जो USFD का जो अप्रूवल आया है ये सर्टिफिकेट का, ये उस मीटिंग में चार चांद लगाने वाला है, क्योंकि अब चूंकि ग्लोबल फुटप्रिंट इनके बनेंगे, ये ग्लोबली भी सप्लाई कर सकते हैं, US में अपनी पैट बना सकते हैं, और यही चीज़ इनके जो QIP के लिए जो मीटिंग चल रही है उसमें एक वेटेज एडवांटेज देंगी। सो गाइस वेट कीजिएगा और छोटी छोटी क्वांटिटीज को ऐड करते रहिए, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम डाउनसाइड 8.78 इन एनी केस मैक्सिमम डाउनसाइड, क्योंकि उसके नीचे तो ये स्टॉक एग्जिट है, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्योंकि वर्स्ट और बेस्ट दोनों सिचुएशन पर बात करते हैं हम लोग, 8.78
के नीचे क्लोजिंग मतलब इस स्टॉक से एग्जिट करना, ठीक है। बट ऐसा नहीं होगा, स्टॉक पोटेंशियल शो कर रहा है, ग्रोथ है, 100 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी शो कर रही है, 5000 करोड़ का टर्नओवर है। अभी तो लोकल इंडिया में ही काम कर रहे हैं लोग, जब बाहर इनका ग्लोबल फुटप्रिंट बढ़ेगा तो एक्सपोर्ट में भी इनका अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट होगा और वहाँ से कंपनी एक अच्छे, तो मुझे लगता है कि एक या दो क्वार्टर का होराइजन नहीं है बट आने वाले 3 से 5 सालों में ये कंपनी अच्छी FMCG सेक्टर कंपनीज में से काउंट होने वाली है। और ये सोच के आप लोग निवेश किए कि आज का निवेश आप अगले 5 साल के लिए कर रहे हैं, अगर आप ये सोच के निवेश करेंगे तो दोस्तों आपको अच्छे मुनाफे मिलेंगे। और उसके लिए आप SIP का माध्यम चूज़ कीजिएगा, बजाय इसके कि आप एकदम से 2-4-5 लाख रुपए का निवेश संवरिय कंज्यूमर में डाल दें, आप एक 10,000-5,000 रुपए की निश्चित रकम को हर महीने इसमें निवेश करते रहिए, ताकि जब आप अगले 5 साल में इसका प्राइस देखें तो आपका बाइंग प्राइस कहीं कहीं बॉटम लेवल पे हो और ये अपने टॉप पर, अपने टॉप प्राइस पर जो है वो ट्रेड कर रहा हो। सो गाइस, ये एक बहुत ही धमाकेदार न्यूज़ है जो कि USFDA का अप्रूवल आया है कंपनी को और कुछ बड़ा पक भी रहा है कंपनी के अंदर। क्या पक रहा है ये तो अभी तक क्लियर नहीं है बट आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ बड़ा जरूर इस कंपनी के अंदर पक रहा है। और जब वो पक के बाहर आएगा उस वक्त शायद ये स्टॉक आपकी रेंज में नहीं होगा, शायद आप इसको पकड़ नहीं पाएंगे या फिर इसको पकड़ने के चक्कर में अपने हाथ जला बैठेंगे। तो दोस्तों, ये सांवरे कंज्यूमर के बारे में हमने बात की, एक बार फिर से मैं चलते चलते यही कहूँगा, जल्दीबाजी में खरीदारी ना करें, आराम से पेशेंस रखते हुए छोटी छोटी क्वांटिटीज़ को SIP के माध्यम से निवेश करें तो आपका निवेश सुरक्षित भी रहेगा और आपका निवेश बढ़ता भी रहेगा। और यही हमारा उद्देश्य है कि आपका निवेश सुरक्षित रूप से बढ़े, ना कि रिस्क आप ज़्यादा लें और आपको रिवॉर्ड कम मिले। तो दोस्तों, अगले वीडियो में हम लोग जल्दी मुलाकात करेंगे कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, कुछ नई बेहतरीन पिक्स के साथ। तब तक के लिए आप लोग हमारे चैनल को देखते रहिए, और जो लोग पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हैं दोस्तों, उन लोगों से मैं यही कहूँगा कि अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन प्रेस करें जिससे अपकमिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।